हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी न्यू वीडियो के साथ हूँ। आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी तो चलिए आप पहले जैसी ऊर्जा नहीं रहेगी तो समय वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था और उसे दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था पर उसने एक भी दौड़ नहीं जीती थी। पर एक दिन उसने ठान ही लिया कि एक दिन वह रेस जरूर पूरी करेगा। अब रेस शुरू हुई और हरीश भी दौड़ने लगा और धीरे धीरे सारे धावक आगे निकलने लगे और हरीश थकने लगा और वह रुकने लगा और उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता कम से कम धीरे धीरे चल तो सकता हूँ। और वह धीरे धीरे चलने लगा और वो आगे बढ़ने लगा और वह बहुत ज़्यादा थक गया था और वह नीचे गिर गया और उसने खुद से बोला कि चाहे जो भी हो जाए पर आज रेस ज़रूर पूरी करेगा। और उसने खुद से बोला, कुछ भी करके आज ये रेस ज़रूर पूरी करेगा। वह जिद करके वापस से फिर उठा, लड़खड़ाते हुए वह आगे बढ़ने लगा और अंत है वह उसने वो रेस पूरी कर ली। माना कि वह यह रेस हार चुका था लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था कि उसने यह रेस पूरी कर ली, क्योंकि आज से पहले उसने कोई भी रेस पूरी नहीं की थी। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसकी मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि उसने यह हार कर भी रेस जीत लिया। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में। कभी भी कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हो तो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हो, भले ही 5 घंटे मिलें लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम आगे ज़रूर बढ़ जाएंगे और हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी और भी सुनना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ आपको काफ़ी सारी मोटिवेशनल स्टोरी मिलेंगी आगे देखने के लिए, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।